कसडोल विधानसभा को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा सीट माना जाता है। साथ ही इस विधानसभा से विधायक छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता गौरीशंकर अग्रवाल यहां से विधायक रहे हैं। इस बार भी गौरीशंकर विधायक इस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान पर हैं। तो वहीं कांग्रेस से शकुंतला साहू, जो कि एक स्थानीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से विधायक के लिए पहली बार चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा बसपा और जोगी कांग्रेस भी अपने अपने चुनावी मैदान में उतर कर अपना डंका पीट रहे हैं। निश्चित तौर पर इस विधानसभा सीट से एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता गौरीशंकर अग्रवाल हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से पहली बार विधायक चुनाव लड़ रही शकुंतला साहू हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार कसडोल विधानसभा का जो मुकाबला है, कांटे का टक्कर होने वाला है। आइए किस तरीके से दोनों ही प्रत्याशी आम मतदाताओं तक जाकर अपना मत मांगते हैं, किस तरीके से उनको लुभाने का काम कर रहे हैं, आइए हम आपको सीधा दिखाते हैं। सीधे जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, और खास तौर पर इस कसडोल विधानसभा से वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू से जानना चाहेंगे किस तरीके का रूटीन रहता है जनसंपर्क को लेकर, क्या कुछ अपेक्षाएं आम जनता की इस बार रहेंगी चुनाव? देखिए, मेरा रूटीन जो है चुनाव के समय ही कोई बदला नहीं है। मैं जब से विधायक बना हूँ लगातार मैं जनता के बीच में जा करके और उनसे संपर्क करता हूँ। जो समस्याएँ गांव में मिलती है उसका निराकरण की दिशा में प्रयास करता हूं, और मैं समझता हूं कि अभी भी वही रूटीन है कि मैं 8 से 10 गांव, कभी कभी 12-15 गांव भी कर लेता हूं, और जनता की जो समस्याएं और आती है, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर होने वाली चीज़ है। तो मैं समझता हूं, जैसे कहीं पे मैंने प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में उन्नयन करा दिया, तो मिडिल वाले बोलते हैं कि अब हमको हाई स्कूल दे दो, हाई स्कूल वाले बोलते हैं हायर सेकेंडरी कर दो, कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बोलते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, सड़क में मान लीजिए अब सड़क बनाया है कहीं पे गड्ढे हो गए, तो सब प्रकार की समस्याएँ जो है जनता की निरंतर चलती रहती है और उसके निराकरण की दिशा में प्रयास भी होता रहता है। और जो जन उत्साह है, जनता का उत्साह जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, डॉक्टर रमन सिंह के साथ में है, और प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री के द्वारा जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान भारत योजना जो शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों का इलाज कराने का है, उसके कारण बहुत ज़्यादा जनता खुश है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो उत्साह जनता में दिख रहा है, तो भारी मतों से सभी विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, कसडोल में तो विशेष रूप से। बात करें पिछले 5 सालों की, काफ़ी विकास हुआ है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन आगे अब जो जनता जो चाह रही है, वो अपेक्षा जो कर रही है आगे और कुछ विकास होना, उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु को आप देखते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो सिंचाई है। सिंचाई के लिए जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, अभी हमारा गंगरेल डैम से जो है पूरे लवन क्षेत्र को और पलारी क्षेत्र को पानी आता है, उसमें जितनी नहर लाइनिंग का काम मेरे कार्यकाल में हुआ है उसके बाद भी बहुत सारा का बचा हुआ है, जिससे कि टेली रे तक पानी पहुंचाने में और हम लोग सफल हुए हैं। तो जो बचा हुआ टेली एरिया का काम, अपने नहर लाइनिंग का काम है, सीमेंट कंक्रीटीकरण का काम है, उसको पूरा कराएंगे। जहाँ जहाँ पे नाला है, जहाँ जहाँ पर जैसे हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नाले भी बहते हैं, तो वहाँ पर पानी को रोक करके और लिफ्ट करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की योजना बनाई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हरदी के पास में एक एनीकेट बनवाया है, उस एनीकेट में पिछले साल के बजट में हमने रखाया है कि लिफ्ट करके माइक्रो इरिगेशन करेंगे। वैसी तारासियों में भी एनीकेट बनाया है, उसका भी पानी को रोका हुआ है और उससे इरिगेशन करने के बारे में और योजना बनी है। एक हमारे 3 एनीकेट हमारे मुड़ियाडी में बना है। इन सब जगह से सिंचाई की सुविधा बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और भी कहीं कोई मेरे को सिंचाई विभाग से सर्वे करा करके जो अन्य सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे उसको भी कराएंगे। बलार जलाशय में 2-3 साल से पानी कम गिरने के कारण उसमें भराव नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने सर्वे करके
किस जगह से उसका कैचमेंट एरिया बढ़ाया सकता है, कहाँ से पानी उस डैम में लाया जा सकता है, उसके लिए भी प्रावधान किया है। और आने वाले समय में जो 1 करोड़ रुपये का प्रावधान सर्वे के लिए किया गया है, उसके उस दिशा में काम करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, गांव-गांव आप खुद जा रहे हैं, काफिला जा रहा है आपके साथ। कल बाइक में सवार होकर आप मुंडा गांव गए हुए थे, किस तरीके से वहां जो लोग हैं आपको किस तरीके से ले रहे हैं वहां? जनता तो चूंकि मैं उनके बीच में हमेशा जाता रहता हूं, इसलिए कोई ना कोई नई समस्या जो है उनके सामने आती है, उसको बोलते हैं कि भैया ये समस्या तो दूर हो गई ये वाला। जैसे कल एक जगह मैं गया था, बोले भैया 95,35,000 रुपये के लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया, अब इसका बाउंड्री वाल नहीं बना है। मतलब वो 95,35,000 का जो भवन बना है, अब उसके बाद उसको बाउंड्री वाल बन जाएगा तो फिर गेट। तो ये तो निरंतर जो है जन समस्या आते रहेगी। मैं बोलता हूँ कि बड़ी बड़ी समस्याओं को अपन ने हल कर लिया है, जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं निश्चित रूप से आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। पिछला चुनाव सीधा कांग्रेस से टक्कर था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार छजका और बसपा भी मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को उतारा है, इसको किस तरह से लेते हैं कि तीन तीन पार्टियों से एक साथ मुकाबला होगा? देखिए कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान में और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 दलों को साथ में लेकर के सरकार चलाई थी, तो छत्तीसगढ़ में भी 3-4 इस प्रकार के दल हैं जो अपनी भूमिका और अपना जनाधार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रखते हैं। तो ये तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने प्रत्याशी खड़ा करती है, भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा गांव, गरीब और किसान के लिए जो योजनाएँ बना करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का और काम किया है, उसके कारण सभी वर्गों का समर्थन अपने को प्राप्त हो रहा है। बाकी अन्य प्रत्याशी क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि कितना इफेक्ट डाल सकते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए चुनाव में सब अपनी अपनी भूमिका में रहते हैं, चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे पंच का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, सभी चुनाव में सब अपनी पूरी ताकत से जुटते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और जो पिछले 5 साल में मेरे द्वारा और मेरी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया है उस कार्य को, और सारे किसी भी गांव में चले जाओगे तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको मानते हैं कि जितना कार्य जो है 5 साल में विकास का हुआ है उसके पहले कभी नहीं हुआ। एक खास चीज़ और देखने को मिलता है कि कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आप मीटिंग लेते हैं कहीं भी जनसंपर्क में जाने से पहले, क्या कुछ उनको सुझाव देते हैं, कैसे उन्हें उत्साह भरते हैं आप? कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ताओं को उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए चुनाव में उसके संबंध में बातचीत करके और उनको एक निश्चित जिम्मेदारी सौंप करके और काम में लगाने का प्रयास किया जाता है। जाकर वोट मांग रहे हैं, सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस की युवा प्रत्याशी शकुंतला साहू भी लगातार जनसंपर्क कर रही है, एक बड़ा काफिला उनके साथ युवाओं का आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा है, गांव-गांव के युवा उनके साथ है। चूंकि शकुंतला एक युवा प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पर युवाओं का काफिला हमेशा उनके साथ रहता है, एक बड़ा जनसमर्थन उनके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है, जनसंपर्क का क्या रिस्पांस मिल रहा है? हमारे गांव-गांव में बहुत अच्छा जनसंपर्क चल रहा है, जनता लोग का आशीर्वाद मेरे को मिल रही है और जनसंपर्क के साथ साथ मेरे साथ सब जनता लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं अभी से। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता गौरीशंकर अग्रवाल, दूसरी तरफ कांग्रेस से आप, स्थानीय की बात शुरू से चलती आ रही है, एक बड़े नेता से आपका सीधा टक्कर है, इस पर कैसे आप लोग का जो जन सहयोग जो मिल रहा है जनाधार में किस तरीके से मिल रहा है?
मेरे को जनता के द्वारा जन सहयोग मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, वो धन से प्रयोग कर रहे, तो मैं जन से प्रयोग कर रही हूँ। जनता लोग मेरे को घर घर में जाकर आशीर्वाद ले रही हूँ, तो उन लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरे को विश्वास है कसडोल विधानसभा में मैं जीतूंगी। गौरीशंकर अग्रवाल का कहना है कि आप उनकी बेटी समान है, आप उन्होंने बयान में भी कहा है कि बेटी जैसी है, मैंने खुद उसको आशीर्वाद दिया नामांकन के जैसे। हाँ, उस दिन मैं उसका आशीर्वाद ली हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीत कर आऊँगी। वो आशीर्वाद दे दिए, वो मेरा पिता समान है, वो आशीर्वाद दे दिए, तो मैं जीत गई। आपको क्या लगता है कितने से लीड कर सकेंगे आप विधानसभा में? मैं समझती हूँ अभी तक तो जन समर्थन मिल रहा है, उसके हिसाब से तो हम लोग 40-50 हज़ार और से ही जीत पाएंगे। प्रमुख मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं जो आम जनता के बीच जा रहा है? आम जनता के बीच में प्रमुख मुद्दे है बीजेपी की, अभी सरकार अभी रोड बना रहे, देख रहे पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है सड़क में, और अभी हम कसडोल तहसील में अभी जनसंपर्क कर रही हूँ, तो सबसे बड़े मुद्दा है बल्लार बांध का, जो महानदी जलाशय जोड़ दिया जाए तो किसानों के लिए, किसान भाई लोग उस पानी खेत तक जाएगा, ये मुद्दा को मैं लेकर चल रही हूँ। अभी तक बीजेपी का जो विधायक था वो सरकार रहते हुए बीजेपी के वो काम नहीं कर पाए, पर मैं विधायक बनूंगी, सबसे पहले मुद्दा ये बल्लार जलाशय का रहेगा, और पूरे कसडोल विधानसभा में किसान भाई का मुद्दा है कि वो कर्ज से लदे हुए है, वो कर्ज हमारे कांग्रेस सरकार आएगा तो कर्ज माफ होगा, वो मुद्दों को लेकर मैं चल रही हूँ। कांग्रेस एक और सबसे बड़ा फैक्टर अपना रही है स्थानीय और जातिवाद, साहू बाहुल्य क्षेत्र विधानसभा और ऊपर से स्थानीय प्रत्याशी आपको घोषित किया, इसका कितना फायदा आपको देखने में? बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, साहू के साथ साथ मेरे को हर समाज का जन समर्थन मिल रहा है, इससे लगते है कि मैं जीत जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है स्थानीय के साथ साथ मैं महिला हूँ, और महिला के साथ साथ मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, जो मेरे 40 गांव उस क्षेत्र में आते हैं। पार्टी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन इस बार कसडोल विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चुनाव में ही मतदान के बाद ये पता चल पाएगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ सुनील साहू, IBC 24, बलौदा बाजार।